गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में हम जो है 10 जो है कंप्यूटर फंडामेंटल क्वेश्चन कराते हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी मेमोरी। तो 4 ऑप्शंस दिया गया है, इसमें कौन प्राइमरी मेमोरी है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग रैम जो आपका है प्राइमरी मेमोरी है, फ्लॉपी डिस्क क्या है सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी होता है। ओके स्टूडेंट, इसलिए 1 का राइट आंसर है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सीपीयू। इसमें सेकंड क्वेश्चन में जो है सीपीयू का पार्ट क्या नहीं है, तो एएलयू दिया हुआ है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस जो हमारा है, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड को कहते हैं, इसलिए जो है इनपुट डिवाइस इज नॉट पार्ट ऑफ सीपीयू। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स, फ्लोचार्ट, एल्गोरिथम, स्यूडो कोड, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स किसे कहा जाता है, तो फ्लोचार्ट एल्गोरिथम, स्यूडो कोड, सभी से हम प्रॉब्लम को क्या करते हैं, इलस्ट्रेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए जो है थर्ड का आंसर डी है, ऑल ऑफ दिस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लो लेवल लैंग्वेज। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लो लेवल लैंग्वेज क्या है स्टूडेंट, तो C++, जावा जो है हाई लेवल लैंग्वेज होता है स्टूडेंट। जैसा आप जानते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है जस्ट लाइक सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज, और लो लेवल हमारा जो लैंग्वेज होता है जैसे असेंबली लैंग्वेज है, उसको हम क्या करते हैं 0 1 0 फॉर्म राइट करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसके बाद आते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 5, 4 का आपका ए आंसर सही था जो है स्टूडेंट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड एज पार्ट ऑफ एन आइडेंटिफायर। इसमें कौन सा जो है जो आइडेंटिफायर के लिए अलाउड नहीं होता जो है, तो हमारा कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ऑल ऑफ दीज। तो जो हमारा असेंबलर होता है उसमें जो है आइडेंटिफायर का यूज नहीं होता जो है, अलाउड नहीं है। इसके बाद आगे आते हैं, ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक मिनट, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखाई ना दे तो आप एक बार फिर से देख लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आपको दिखाई ना देख लीजिए, व्हिच ट्रांसलेटर कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। कौन सा ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ऑल ऑफ दीज। तो असेंबलर देखिए राइट आंसर है 6 का, क्योंकि असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ओके स्टूडेंट, तो 6 का ये आंसर सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग इज कॉल्ड एल्गोरिथम, फ्लोचार्ट, स्यूडो कोड, प्रोग्राम। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ प्रॉब्लम को हम कहते हैं स्टूडेंट फ्लोचार्ट, इसलिए जो है 7 का बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांसलेटर, कंपाइलर, असेंबलर्स आर सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जो लास्ट ऑप्शन MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वह आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ रैम, रोम, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो देखिए प्राइमरी मेमोरी में दोनों आते हैं, रैम भी आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम भी आता है रीड ओनली मेमोरी। रैम में आप राइट भी कर सकते हो, लेकिन रोम में ओनली आप क्या कर सकते हो, रोम में जो भी डेटा है उसको ओनली रीड कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट पर आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी इंक्लूड, सेकेंडरी मेमोरी क्या इंक्लूड करता है या क्या होता है। एक 4 डिवाइसेस के नाम दिए हैं, रैम, रोम,
सी डी, सी डी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क या सी डी जो भी हमारा जो है डिवाइस होता है उसको हम कहते हैं जो है सेकेंडरी मेमोरी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट। अगर आपको जो है इस तरह के क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो आप एक कमेंट ज़रूर करिए। ओके स्टूडेंट, तभी अगला वीडियो बनाऊंगा। ओके स्टूडेंट।